सो हे गाइस, वेरी 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 गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। सो आज मैं बहुत टाइम बाद ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, और मेरे स्कूल का छुट्टी था बहुत टाइम से, और मैंने बहुत टाइम से वीडियो बनाया नहीं। तो मतलब मैं भी सोच रहा था कि वीडियो बनाऊँ, मतलब जब तक छुट्टी है तब तक मैं ब्लॉगिंग करूँ। तो मुझे किसी ने कहा कि हाँ ब्लॉगिंग कर ले भाई, और अच्छा लगता है तेरा ब्लॉग देख के, अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा कि अपने लिए नहीं तो दूसरों के लिए बना लिया जाएगा, कि ये अच्छा भी है। मतलब व्लॉग बनाते हैं तो कुछ ना कुछ करने को मिलता है। तो आज से मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ, हाँ, इससे ज़्यादा फालतू बात नहीं। और अभी मैं बैठ के पढ़ रहा था, ये मैंने कॉपी ले रखा है, और मैं बस फ़ोन से PW की क्लासेस देख के पढ़ रहा था। अभी तो YouTube पे पढ़ रहा हूँ, बट कोर्सेज मैं जल्दी लेने वाला हूँ 12th के, और मेरे 11th के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। और हाँ, एग्ज़ाम्स देख के मैं 12th में चला जाऊँगा, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थोड़ा सा नर्वस फील होता है कि मतलब इतना भी प्रिपेयर नहीं मेरा 11th और मैं 12th में जा रहा हूँ, बट मैं कोशिश करूँगा कि हाँ एक तरीके से सब बढ़िया से हो जाए। अभी मेरा मूड थोड़ा सा ऑफ है, क्या है कि कुछ चीज़ें हो जाती हैं लाइफ में ऐसा उल्टा सीधा, जो कि सही होनी नहीं चाहिए। बट व्लॉग सभी के लिए है, तो आप सब इन्जॉय करो। पहले तो मैं बैठ के पढ़ लेता हूँ, तो अभी आप लोग से बातें करता हूँ और चलेंगे दुकान पर, वहाँ पर भी दिखाएंगे कुछ ना कुछ। तो सही कहते, अभी पढ़ाई तो हो गया है, और हम बैग को अंदर रख देते हैं और चल के कुछ ना कुछ खा लेते हैं, मतलब नाश्ता कर लेंगे, उसके बाद दुकान पे चलेंगे। दुकान पे चल के कुछ फिंगर्स वाला काम हो रहा है, मशीन में जो गल्ला पड़ता है ना, तो उसका काम करवा लेंगे। और बाकी मूड तो ऑफ है इतना कि कुछ करने का मन भी नहीं कर रहा है, बट करना तो पड़ेगा। इसी वजह से मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, ताकि मेरा मूड थोड़ा सही हो सके। तो मेरा मूड दो ही तीन वजह से सही होता है, लाइक जब मैं गाना वगैरह गाने लगता हूँ और कुछ ना कुछ करता हूँ, मतलब ऐसा जो मुझे अच्छा लगे तब सही हो जाता है। मुझे गाना गाना और सुनना बहुत पसंद है, तो मैं वो कर लेता हूँ। तो अभी चलते हैं, नाश्ता करते हैं, नाश्ता करके दुकान पे चलेंगे, फिर वहाँ का सीन दिखाते हैं क्या होता है। तो अभी दुकान पे तो विवेक चला गया है, और हम घर पे ही हैं अभी भी। तो अब हम क्या करेंगे कि जब खाली टाइम तो बैठ के पढ़ेंगे थोड़ा सा, और उसके बाद मैं सोच लूँगा कि मतलब म्यूज़िक वाले चैनल पर भी कुछ ना कुछ आज अपलोड कर ही देते हैं, और अभी बैठ के पढ़ लेते हैं। उसके बाद म्यूज़िक वीडियो भी बना लेंगे। आई थिंक मुझे रियाज़ कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं सब कुछ कर चुका हूँ बस। क्या मत कर यार, तो सब कुछ कर चुका हूँ, बस रियाज़ नहीं किया, तो रियाज़ कर लेता हूँ। सही गाइस, रियाज़ तो उतना ज़्यादा अच्छे से हो नहीं पाया, बट मैंने गाना वाना गाया था, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किया, और उसके बाद ऐसा म्यूज़िक वीडियो शूट करने की कोशिश कर रहा था, पर वो हो नहीं पाया। तो उसके बाद चंदन आके बोल रहा है कि पापा कह रहे हैं कि दुकान से, वहाँ बासी से सामान लाना है दुकान के लिए। तो अभी देखो मैं रेडी हो चुका हूँ, दिखा दे जरा भाई, मैं रेडी हो चुका हूँ। अच्छा, चश्मा, अब बस चश्मा बड़ा लग रहा है मेरे पास यहाँ पे, हाँ थोड़ा, चलो ठीक है, यहाँ पे इसे दिखा देता हूँ, ये पूरा दिखा दे। वैसे इस चीज़ की कोई मतलब है नहीं, लेकिन थोड़ा सा वीडियो की ड्यूरेशन बढ़ाने के लिए और कुछ ना कुछ इंटरटेन करने के लिए कर दे रहा हूँ। तो हाँ, अभी बांसी चलेंगे, बांसी से सामान लाएंगे और ला के दिखाते हैं क्या होता है। तब तक चलो, और चल के बाइक निकालते हैं, और वहाँ पे दुकान पे पैसा लेके फिर बांसी निकल जाएंगे, फिर वहाँ पे दिखाएंगे क्या होता है। तो अभी चंदन तो अपना सामान वामान लिखवा रहा है, लिस्ट बना रहा है कि क्या क्या लाना है, और मैं आया हूँ बगीचे में बस ऐसे ब्लॉक करने के लिए। देखो बगीचा कैसा हो गया है, ये सारा पत्ता उत्ता गिरा हुआ है, और ये अभी तो पूरा बगीचा इसे एकदम बस पत्तों से घिरा हुआ है, और ये खेत बहुत मस्त लग रहा है, एकदम ग्रीन ग्रीन होता है ना, तो वो मस्त लगता है। बाकी कुछ चीज़ों की वजह से मूड ऑफ है अभी, अब मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, मेडिटेशन वगैरह कुछ ना कुछ तो स्टार्ट करना पड़ेगा, क्या है कि ऐसे बहुत स्ट्रेस टाइप का, एक तो स्टडी का स्ट्रेस हो जाता है यार, ये पढ़ाई नहीं हो रही, करियर का हो जाता है, मतलब आगे फैमिली है, आगे फैमिली आएगी और अपनी फैमिली रहेगी, ये इन सबको कैसे हैंडल करना है, हम लोग को भी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जो ढंग का हो, जो अच्छा हो, मतलब कंफर्टेबल हो, यही सब सोचते हैं। तो बहुत सारा चीज़ आता है कि अगर नहीं हुआ तब क्या होगा, बहुत मतलब सही नहीं लगता है, पर ठीक है, जो है अच्छा है। तो अभी बात ही करेंगे, वैसे ये देखो ये मस्त लग रहा है, ये देखो ये ऐसा रेड रेड है एकदम, और मस्त लगता है, और ऊपर इसका बहुत सारा है, बहुत, रुको दिखाता हूँ,
ये वहाँ पे, ये वहाँ पे बहुत सारा है और रेड रेड होता है ना, तो एकदम मस्त लगता है, एकदम गजब। तो अभी बांसी चलते हैं और बांसी से सामान लाएंगे, वहाँ पे दिखाएंगे। श्रेयांश भी है तो श्रेयांश से मिलेंगे, मस्त इन्जॉय करेंगे। चलो सो गाइज, अभी निकल चुके हैं हम सब बांसी के लिए, रवाना हो चुके हैं। तो चलते हैं बांसी पे, बांसी में बांसी पे क्या होता है, चलते हैं बांसी में और चल के दिखाते हैं कि वहाँ पे श्रेयांश से मिलेंगे। अपने ज़्यादा दोस्त तो है नहीं, आयुष है नहीं, श्रेयांश है, तो श्रेयांश से मिलेंगे और जो जो भी हो सकेगा। भाई साहब कौन जा रहा है, तो जितने लोग होंगे उतने लोगों से मिलेंगे और दिखाएंगे बांसी की हालत। हो सकेगा तो अभी थोड़ा सा मैं सिनेमैटिक सीन्स ले लूँगा। सो गाइस, अभी बांसी आ गए हैं और वहाँ पे चंदन सामान ले रहा है, मैं यहाँ पे बैठा हूँ। अभी जाके थोड़ी देर में देख लूँगा क्या है क्या नहीं है। बाय द वे, एक बज गए हैं और अभी हम बांसी में हैं। मेरा मूड फिर से ख़राब हो गया है, मेरा मन कर रहा है मैं ब्लॉग भी बंद कर दूँगा यार, पर अभी स्टार्ट कर लिया है तो ब्लॉगिंग करूँगा। अभी तो दुकान पर कुछ दिखाने लायक है नहीं, तो बांसी का सीन मैं शायद कम ही ले पाऊँ। ठीक है, इतना जो भी था। अभी श्रेयांश मिलेगा तो उससे मिलेंगे, या फिर उससे भी नहीं मिलेंगे, चल चलेंगे घर पर सीधा। तो फाइनली मन को थोड़ा बदल के मैंने सोचा कि चलो श्रेयांश से मिल लेते हैं, क्योंकि आयुष है नहीं, श्रेयांश है तो श्रेयांश से मिल लेंगे। और अभी उसको बुलाया है अंदर से, थोड़ी देर में आएगा। एक बार मिल के गया है उसको, मैंने बोला कि बाहर मेरा कुछ डिलीवरी का सामान है तो वो जाके ले ले, तो आया तो एकदम से कह रहा तुम डिलीवरी हो तो पार्सल तो मैं ही हूँ। बाकी मेरा मूड पता नहीं यार, चलो छोड़ो। तो अभी वो आएगा और उसको लेके चलेंगे उस दुकान पे, क्योंकि घर में बैठ के नहीं अच्छा लगता है, तो वहीं पे बातें होते करेंगे अपना मस्त एकदम, उसको ला के छोड़ देंगे, चल चलेंगे घर पे। और बस बात इतना ही था, अभी उसके साथ भी थोड़ा सा सीन ले लूँगा बस। तो मैं ये बता दूँ कि पहले मेरे ऐसे फेस पे बहुत सारे दाने हुए करते थे, तो पहले मेरे फेस पे बहुत सारे दाने हुए करते थे, बट अभी का सीन ये है कि दाने तो एकदम ख़त्म हो गए, मतलब बहुत रिलैक्स है, एकदम रिलीफ है, मैं यही चाहता था। बट ये डार्क स्पॉट्स जो ब्लैक ब्लैक है ना, वो नहीं जा रहे हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा छोड़ो यार, अपने को कौन सा है कोई किसी को इम्प्रेस कर रहा है, हमसे कहाँ कोई इम्प्रेस होगा यार। हसदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती, मतलब ये होता कि तकलीफों नाल डील करना होता है। ये देखो आ गया, मस्त एकदम तैयार यार होके चला जाए। चलो भैया, प्लान है कहाँ चलना है, यहाँ आप लेके चले। वहाँ पे चंदन सामान खरीद रहा है तो वहीं पे चलते हैं। ठीक है, चलिए पहले वहीं पे चलते हैं एकदम, फिर देखते हैं क्या करना है। ओके, तो अभी हम श्रेयांश से मिले और उससे बातें की, उसके साथ कुछ खाया भी आका है कि मैं घर से कुछ खा के नहीं आया था ना, तो यहाँ पे आके मैंने खा लिया है। और अभी देखो पूरा सामान यहाँ पे लदा हुआ है, अब इसे लेके बस डायरेक्ट घर पे जाना है। तो चलो अब घर पे चलते हैं सीधा, और घर पे चल के फिर बात करते हैं वहाँ पे। हाँ, तो गाइस अभी मेला तो शायद ख़त्म ही हो गया है ऑलमोस्ट, और मेले में हम लोग एक दो बार गए थे। मैं बासी रूम पे आया था अपने, जब रूम पे रह रहा था तो उस टाइम मैं एक बार गया था। तो मैं सोच रहा था मोटो ब्लॉगिंग करने का, बट मेरे पास अभी सेटअप नहीं है, वो सचिन भैया के पास है, लाना चाहिए था। तो हाँ, अभी ऐसे ही मैं हाथ में, एक हाथ में करके, एक हाथ से बाइक चला रहा हूँ, एक हाथ में ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। हालांकि ये बहुत रिस्की है, पर मैं ब्लॉगिंग कर लेता हूँ। अभी चलते हैं घर पे, मस्त अपना देखते हैं क्या होना है क्या नहीं होना है। तो हाँ, बाकी रोड का ब्लॉग बना के मैं क्या ही करूँगा। अभी जस्ट एक पुलिस वाला गया ना मेरे सामने से, और मुझे देख रहा है कि इतना सारा सामान लेके मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। साला एक हाथ में फ़ोन, एक हाथ में बाइक, तो वो मुझे बहुत ध्यान से देख रहा था। अब वो कुछ कहे बस ना, मेरे ख्याल से मुझे रख लेना चाहिए फ़ोन। तो अभी वहाँ से आ गए, वहाँ से हम खा पी के एकदम आ रहे हैं हम श्रेयांश चंदन।
लेकिन इस दुकान पे आए तो ओफो उठा दो, इस दुकान पे आए तो यहाँ पे चंदन को मतलब अच्छा लगता है बर्गर, तो यहाँ पे बर्गर खाने आए हैं। तो अभी घर पे कॉल कर लेते हैं और पूछ लेते हैं कि घर पे किसी को कुछ चाहिए, और मैं एक कोल्ड ड्रिंक ले लेता हूँ। हाँ तो पूछ लेता हूँ और इसको खिला देता हूँ, लेता हूँ यहाँ से चलते हैं। तो अभी मैंने अपने लिए एक माजा ले लिया है और ये अपना बर्गर खा रहा है मस्त। तो अभी तो मैं इसे पीते हैं और घर पे चलते हैं फिर, और एक बर्गर पैक करवा रहे हैं भैया के लिए। तो अभी हम लोगों ने खावा लिया है और यहाँ से देखो मैं मुझे एक बहुत बढ़िया चीज़ दिखी है, वहाँ पे हो रही है क्रिकेट। तो सारे लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, मतलब ऐसा छोटा मोटा क्रिकेट नहीं है, वो बहुत हाई लेवल का क्रिकेट है। तो मैंने सोचा कि देखूँ, बट अभी अपने पास पैसों वाला है तो अपने पास टाइम नहीं है, तो अभी तो घर पे चलते हैं, बाद में किसी दिन आएंगे देख लेंगे। ये देखो ये कलाकारी है। जो काम नहीं आई छोड़ो। Once more. अबे पैर में दर्द होने लगा मेरे। अभी तो घर पे पहुंच गए हैं मस्त, अपना एकदम सुकून हो रहा है। तो अभी कपड़ा वपड़ा निकाल के मैं जा रहा हूँ, थोड़ी देर सो जाऊँगा, फिर दुकान पे जाना होगा और वहाँ पे देखो अगर कोई काम होगा तो ठीक है, वरना फिर। और बांसी गए थे तो बांसी में चंदन ने जो चश्मा लिया था ना, ब्लैक वाला था एक, शायद आप सब ने नोटिस ना किया हो, बट एक चश्मा था उसके पास, तो वो वहीं पर भूल गया और बाद में गया तो किसी ने उठा लिया। तो वो एकदम शौक है क्योंकि चश्मा उसका नहीं था तो भैया का था, तो वो एकदम शौक है कि भैया आप जानेंगे तो क्या कहेंगे, एकदम वो एकदम परेशान हो रखा है। अभी उसका भी रिएक्शन दिखाएंगे और उसके बाद फिर इसके बाद दुकान का व्लॉग शूट करेंगे, उसके बाद बंद कर देंगे क्योंकि आज का व्लॉग बहुत बड़ा हो गया, तो पहला दिन का व्लॉग है तो इतना तो बहुत। चलो तो अभी रात के शाम के मतलब 6:19 हो चुके हैं, और मैं पता है जब मैंने पिछले इससे पहले का जो सीन था वो मैंने लिया था लगभग 3:30 तक आसपास लिया था। तो सीन ये था कि मैंने उसके बाद कहा था कि मैं थोड़ा आराम करूँगा फिर दुकान पे जाऊँगा, पर मैं दुकान पे नहीं गया, मैं एकदम से सो गया था, दुकान पे मैं नहीं जा पाया और वहाँ पे विवेक चला गया था। तो अभी मैं सो के उठा हूँ कुछ टाइम पहले, तो मैंने सोचा कि लाओ ब्लॉग को एंड कर लिया जाए क्योंकि अभी यहाँ से दिखाने के लिए कुछ है ही नहीं, और मैंने ऑलमोस्ट बहुत बड़ा वीडियो शूट कर लिया है आज के दिन के लिए। तो होप करूँगा कि आप लोगों को मेरा डे पसंद आया होगा। तो हाँ इधर आओ। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ एंड बाय बाय। क्या कहना चाहेंगे जश्न के ऊपर?